हाय फ्रेंड्स, आज आरपीएससी ने मैथ्स 2017 सेकंड ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है, जिसके आंसर इस प्रकार है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू के विभिन्न वास्तविक हलों की संख्या है 3, ए प्लस बी प्लस सी 25 के विस्तार में पदों की संख्या है 351। एक तार की त्रिज्या को कम करके एक तिहाई कर दिया जाता है, यदि इसका आयतन समान रहता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी 9 गुना 9 मीटर। ऊंचाई वाले लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो शंकु की तिरेक ऊंचाई बराबर है अंडर रूट 130 मीटर। यदि घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 125%। एक ठोस का पेंदा अर्ध गोलाकार तथा ऊपर शंकाकार, यदि इन दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो इन भागों के आयतनों का अनुपात है 2:2 √3। यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें केवल बी सही है, केवल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री उपयुक्त समीकरण द्वारा संतुष्ट होता है। 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए स्क्वायर बराबर है इनमें से कोई नहीं। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 4√3, तो इसका आंसर है √3 + 1/2। यदि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, तब साइन माइनस 1x प्लस कोस माइनस 1x का मुख्य मान है π/2। एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं एबीसी हैं के लिए साइन ए माइनस बी तथा साइन ए प्लस बी का अनुपात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एबीसी भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी के लिए टेन ए बटे टू तथा टेन बी बटे टू का गुणन होगा ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। समीकरण अंडर रूट 8 कोस एक्स बराबर कोस एक्स एक्स, इसमें मूल्यों में अंतर है π/4। यदि वाई इक्वल टू ई टेन माइनस 1x, तो 1 + x² d² y/dx² बराबर है 1 − 2x dy/dx। यदि fx इक्वल टू 3x4 − 4x² + 5, तो अंतराल जिसमें रोली प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है होगा −1 और 1। x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 − x + x² / 1 + x + x² का न्यूनतम मान बराबर है 1/3। यदि लिमिट kx cot x इक्वल टू लिमिट x cot kx, तो k का मान ±1। यदि dx बटे dy इक्वल टू u d²x/dy² = v, तो d²y dx² है −v/u3। यदि फलन इक्वल टू न्यूनतम, तब fx होगा सतत। यदि अधिकतम पूर्णांक फलन है, तो x प्लस x का अवकलन है अस्तित्व नहीं होता है। एक बिंदु P से वक्र 3x² + 6y² = 18 पर अभिलंब खींचा जाता है, तो इसमें होगा 2 और 1। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4, 0 और y एक्स से समान रहती है, तो इसका समीकरण होगा y² − 8x + 16 = 0। यदि समीकरण hxy + gx + fy + c = 0, तब सरल रेखाओं के युग्मों प्रदर्शित करती है gf = ch। परवलय y² = 4ax की होती है, कोई वास्तविक अंतर स्पर्शी नहीं। यदि नाभियों के निर्देशांक और शीर्षों के निर्देशांक, तो दीर्घवृत्त के समीकरण है x² / 169 + y² / 144 = 1। अति परवलय के केंद्र के निर्देशांक हैं, इसमें 2 और 1। वृत्त x² + y² − √2x − 1/2y = 0, तो इसमें होगा 0। उस वृत्त की त्रिज्या जो द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करती होगी −√2 − 1 इकाई। यदि a 0 3 b −2 0 तथा c 6 1 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो a की तरफ होंगे, जबकि x > 1/3। बिंदु a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा स्थित है वृत्त पर। परवलय y² = 4ax तथा 4² = 4y पर खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंबों की अधिकतम संख्या होगी 5। यदि एक रेखा अक्षों के साथ θ1, θ2 और θ3 कोण बनाती है, इसमें होगा 2। बिंदु 1, 2, 3 से रेखा x − 6/3 = y − 7/2, इसकी लंबाई बराबर है 7 के। यदि रेखाएं x − 2/3 y − 3/4 z − 4/5, तो इसका मान होगा 2। समानांतर चतुर्भुज ABCD के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो शीर्ष D के निर्देशांक हैं 1, −2 और 8। बिंदु 1, −2, 4 और 3, −4, 5 से गुजरने वाले YZ तल के लंबवत समतल का समीकरण है y + 2z − 6 = 0। संयुक्त समीकरण द्वारा प्रदर्शित दो समतलों के मध्य कोण बराबर है π/2। रेखा x − 1/2 = y − 21/6 −6, ये परस्पर समानांतर हैं। सरल रेखा समानांतर हैं x तथा y दोनों अक्षों के। x x के समानांतर समतल का समीकरण है by + cz + d = 0।
रेखाओं x माइनस वन बटे हुए टू इक्वल टू y माइनस टू बटे हुए थ्री, इसमें मध्य लघुतम दूरी है एक बटे हुए अंडर रूट सिक्स, सदिश समतल्य है दोनों a और b के, a इंटू इसमें आंसर आएगा a पॉइंट b a इंटू सी, यदि p इक्वल टू वन माइनस आई माइनस टू जे प्लस थ्री के इसमें आएगा p प्लस क्यू स्क्वायर, यदि p इक्वल टू माइनस फाइव आई प्लस जे माइनस के इसमें आंसर आएगा 84 घन इकाई। ए बी सी एस उन्हें समतलीय सदिश है तथा इसमें आएगा पी क्यू आर माइनस वन, सदिश रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु दिया जाता है आई प्लस जे प्लस के, यदि ए बी सी तो समूह के लिए बराबर है सी माइनस वन बी ए माइनस वन, समूह से समूह में परिभाषित फलन एफ जी से जी में समूह समाकारिता है यदि एफ ए ओ बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, यदि एक समूह का जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो जी है आबेली, सूचकांक दो वाला प्रत्येक उपसमूह होता है प्रसामान्य उपसमूह, माना है कि एफ समूह जी से जी में समाकारिता है तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है ये सभी, यदि एफ एक सदिश बिंदु फलन है तब ग्रेड है कर्ल कर्ल एफ प्लस सदिश आर इसमें परिणाली के तथा अगुणे दोनों, इसमें 55 में ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। यदि आर इक्वल टू कोस एंटी ए प्लस साइन एंटी बी तो इसमें एन बी इंटू ए सही है, डिवाइडेड ग्रेट देन टेन माइनस वन वाई बटे वैक्स इक्वल टू जीरो, परिवहन समस्या में अभ्रष्टता उत्पन्न होती है यदि मैट्रिक्स रिक्त कोष्टिकाएं ग्रेटर देन एम प्लस एन माइनस वन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य नहीं, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, यदि एफ वन इक्वल टू टू एफ टू इक्वल टू फोर और एफ थ्री इक्वल टू सेवन तो एफ एन एक्स प्लस वन बटे टू, अंतर समीकरण का विशिष्ट समाकलन है टू एन एन स्क्वायर माइनस एट एन प्लस ट्वेंटी, एन घात वाले बहुपद का एनवा विभाजित अंतर है सदैव एक अचर है, श्रेणी एक बटे हुए एक पॉइंट टू प्लस दो बटे हुए तीन पॉइंट चार, इसमें है अपसारी, यदि एफ निम्न कथनों पर विचार कीजिए इसमें ए और बी दोनों सही हैं, अनुक्रम इसमें एक अपरिमेय मान पर अभिसरत समुच्चय है विवृत लेकिन परिबद्ध, फलन एपेक्स जब एक्स परिमेय है इसमें आएगा परिबद्ध लेकिन आर समाकलीय नहीं, अब 68 इसमें आएगा एक, 69 इसमें आएगा पाई बटे वे टू, वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स के लूप का क्षेत्रफल है 8 ए स्क्वायर बटे वे 15 वर्ग इकाई, 71 क्वेश्चन में आएगा लॉग ई थ्री, वक्र वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें आएगा 7 बटे वे 120 वर्ग इकाई, वक्र एक्स वाई एक वाई बराबर एक्स एक्स बराबर ई इसमें आएगा एक अनुपात दो के अनुपात में, यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर है 2/7, तीन छात्रों एक्स वाई जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना ये है, समस्या हल होने की संभावना बराबर है 3/4, एक सिक्के को चार बार उछाला जाता है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है 15/16, द्विपद बंटन का मानक विचलन बराबर है अंडर रूट एनपी क्यू, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः ये है तो बंटन की माध्य का बराबर है 11.9, एक बंटन का मानक विचलन यदि चर के सभी मानों को अचर राशि एच से गुणा किया जाता है तो बंटन का प्रसरण बराबर है एच स्क्वायर ये माइनस 3/2, इसमें आएगा 4√π/3, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं की भार उनके संगत संख्याओं के वर्ग है तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य है 3n(n+1)/2 2n+1, यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 है तथा इसका प्रसरण 3/2 है तो अभिप्रयोगों की संख्या 6, यदि जेड इक्वल टू तब इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। 84 में 3/35, 85 में 0, 86 में वक्र एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के अंतर स्पर्शी है वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, फलन जेड इक्वल टू टेन माइनस वन वाई बटे एक्स के लिए इसमें है सभी एस वन एस टू एस थ्री सभी सही है, यदि इसमें 88 में यदि समाकलन इसमें आएगा एम प्लस एन प्लस टू, अवकलन समीकरण का सामान्य हल है एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस वाई क्यूब, अवकलन समीकरण एक्स पी टू वाई का हल है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी ई वाई, अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आई माइनस वन डी वाई डी एक्स माइनस थ्री आई वाई का सामान्य हल है इसमें वाई इक्वल टू ई वन ई एक्स प्लस सी टू ई माइनस थ्री आई एक्स,
यदि तो उपयुक्त अवकलन समीकरण की घात तथा कोटि क्रमश है 2 और 2। रैखिक अवकलन समीकरण का समाकलज गुणन है EEX। अवकलन समीकरण का हल है y=10x। एक परिवहन समस्या में यदि सभी ci≥0 तो इष्टतम हल होगा जहां σi σj eij xij=0। निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंपलेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर सम्मिलित करने पड़ेंगे? 2। रैखिक प्रोग्राम समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो समस्या का हल होगा कोई हल नहीं। 2 अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सदैव अवमुख समुच्चय होता है। रैखिक प्रोग्राम समस्या इसमें न्यूनतम या अधिकतम होगा। यदि 2 बलों के परिणामी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमश 40 इकाई और 20 इकाई तो दोनों बलों के परिणाम 30 और 10। अल्फा कोण पर झुके हुए 2 समान बलों का परिणामी बीटा कोण पर झुके हुए इन्हीं बलों के परिणामी का आधा है। कोस बीटा बटे 2 = 2 कोस अल्फा बटे 2। एक प्रक्षेप की सिरेधित प्रास 30 इकाई है तथा वह अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। 25 sin 2α+1 = 9 tan α+1 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्य की विशेषता नहीं है, सामान्यकृत रूप में होते हैं? गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन किस मूल्य को दर्शाता है? सामाजिक मूल्य को। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है, रोजर बेकन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों से तार्किक क्रम है, इसे आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म। पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में ये किसके द्वारा दी गई है, NL बोसिंग। इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। परियोजना विधि के अवस्थित सोपान इसमें कौन सा सही है, 3, 1, 2, 5, 4 और 6। तीसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थी समांतर श्रेणी का उदाहरण दे सकेगा, वह यह विशेष उद्देश्य संबंधित है अवबोधात्मक से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसके कारण इसे आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। जब विज्ञान अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संपत्तियों का प्रयोग करते हैं तो यह गुणांक बहुपक्षीय सहसंबंध कहलाता है। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य दोषपूर्ण है, यह कथन कामटे का है। कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान आसूच रचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है, दिए गए नाप के त्रिभुज का निर्माण ज्यामिति बॉक्स की सहायता से करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है, दी गई विषय वस्तु में से एकत्रित मान्यताओं को पहचानना है। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, अमूर्तता का सिद्धांत। कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग के लिए सही उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना। कौन सा अभिग्रहित नहीं है, इसमें आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा, GT बुसवेल व लेनोर जोन। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, यह कनिंगम ने कहा है। कौन सा कथन सत्य है, इसमें केवल ए सत्य है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। एक पूर्णांक उसके वर्ग का योग होता है, सदैव एक सम संख्या। संख्या √1452/1872 होती है अपरिमेय संख्या। पूर्णांक 99 में इकाई के स्थान पर अंक है 3। 256 0.16 - 16 0.18 का मान है 4। n > 1 पूर्णांकों की संख्या जिसे n + 2 n + 4 से भी अभाज्य संख्याएं हो तो ये हैं 1। 59 28 में 7 का भाग देने पर शेष फल है 4। दिए गए चित्र में यदि AC = BD तो क्या होगा, AB = CD। दिए गए चित्र में ABCDEFGH KL तो थीटा का मान है 145 डिग्री। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का संपत्ति बिंदु केंद्र कहलाता है। यदि दो वृत्तों में समान लंबाई की चाप उनके अपने केंद्रों पर 60 डिग्री 75 डिग्री कोण है तो 5:4 है। दो भुजाओं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर में परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा BC को बिंदु P तक बढ़ा जाता है तो DCP बराबर है 70 डिग्री के। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका परिमाप बराबर है 8+4√2। एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी तो त्रिभुज है समबाहु। एक वृत्त की त्रिज्या n से घटाने पर उसका क्षेत्रफल आधा होता है तो उस वृत्त की त्रिज्या है m√2 √2/√2-1। यदि 3 × 3 अवयव p के सभी अवयव हैं
तो पी स्क्वायर माइनस थ्री पी शून्य आव्यूह। यदि ए बी सी क्रमश एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे तथा आर वे पद तथा एक गुणोत्तर श्रेणी के भी हैं तो इसका मान है ये किसके बराबर है, एक के। यदि ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तो ए के उप समुच्चय की संख्या जिनमें अवयव 2 है परंतु 4 नहीं होगी क्या होगी, 8। यदि आर वास्तविक संख्या को समुच्चय और फलन द्वारा परिभाषित है तो एफ है केवल एक के की। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के क्रमित युग्मों की संख्या है 8। यदि a बटे वाई x प्लस b बटे वाई इक्वल टू m तो बराबर है एम ए माइनस एन बी एन ए माइनस एम बी। यदि a 0 1 1 1 मैट्रिक्स a है तो अंतर्वलिनी मैट्रिक्स है। यदि x क्यूब y क्यूब z क्यूब समांतर श्रेणी में है तो इसका z है दोनों समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी में। यदि शब्द डेंजर के अक्षरों के सभी संभव तरीकों के क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जेंडर की कोटि है 373। यदि a इक्वल टू संबंध तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि a 1 प्लस अंडर रूट 3i 12 इक्वल टू x प्लस iy तब y 1 बटे 12 बराबर है 0 के। यदि मैट्रिक्स a इक्वल टू x माइनस 1 3 3 तब x के वास्तविक मानों की संख्या जो समीकरण d बटे dx को संतुष्ट करेगी होगी 2।